अच्छा, आजकल तो नहीं, खैर काफ़ी अरसे से ये एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ मैं इसके ऊपर। मैंने पहले भी यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाई थी कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स अपनी ऑडियंस को की माइंड मेकिंग करते हुए नज़र आते हैं कि पाकिस्तान में एजुकेशन इज़ अ स्कैम। ये सब स्टार्ट किया था आज़ाद चाय वाला ने पहले। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं छोटे सी कहानी के साथ, एक वाक्य के साथ जो पिछले दिनों हुआ हुआ कुछ यूं कि जब भी किसी दोस्त ने या उनके भाई ने या उनके जानने वालों ने को मशवरा करना होता है रिगार्डिंग करियर काउंसलिंग करनी होती है बेसिकली इस फ्रीलांसिंग की के करियर के लिए, तो वो लोग यूजुअली मुझे रابطہ करते हैं। तो एक पुराने दोस्त ने रابطہ किया, स्कूल फ्रेंड, 2013 से पहले से मैं जानता हूँ, 2013 में से लास्ट टाइम मैं मिला था। कि रब्ता कि यार छोटे भाई को लेके परेशान हूँ तो कुछ हेल्प कर दो, कुछ सजेशन दे दो, क्या करे क्या ना करे। मैंने उसे बुलाया ऑफिस, मेरे पास वो आया, बच्चा था 19-20 साल का। तो मैंने उसके भाई से पूछा कि आप लोग क्या चाहते हैं क्या करें। उसने कहा हम कुछ नहीं चाहते क्या करें, ये जो चाहता है ये वो कर ले। मैंने उसे पूछा आप क्या चाहते हो भाई। वो कहता है कि मैं पढ़ना नहीं चाहता, मैंने मैट्रिक किया हुआ है, एफए में मैं एफए एफएससी जो भी डिग्री कर रहा था मैं उसके फर्स्ट ईयर में फेल हो चुका हूँ। तो मैंने ये लोग मेरे घर वाले प्रेशराइज कर रहे हैं कि मैं आगे पढ़ूँ। और कहता है कि ऐसा नहीं है कि मुझे स्टडी में मेरा दिल नहीं लगता या मुझे मुश्किल लगती है स्टडी, लेकिन मैं स्टडी करना नहीं चाहता, मैं चाहता मैं बस अपने स्किल्स के ऊपर फोकस करूँ और मैं स्किल्स सीखूँ। मैंने कहा ऐसा कितने अर्से से चल रहा है कि आप रजिस्टर कर रहे हो कि आपने आगे नहीं पढ़ना और घर वाले कह रहे हैं आपने आगे पढ़ना है। कहता है 1-2 साल से ऐसा चल रहा है। मैंने कहा 1-2 साल में आपने क्या स्किल सीखी है। मैंने अमेजोन का कोर्स किया है। अब किसी मंजन फरोश ने उसे अमेजोन का कोर्स बेच दिया और उसने वो कोर्स ले लिया। और मैंने से जब उसने कहा कि मैंने आगे पढ़ाई नहीं करनी, उससे मैंने पहला सवाल ही पूछा कि आज़ाद चाय वाले को सुनते हो। कहता हाँ सुनता हूँ। तो मैंने कहा असल में आपका दिमाग वहां से खराब हुआ हुआ है। और वो बच्चा बड़ा इस बात पे जोर दे रहा था कि मैं आगे नहीं पढ़ना चाहता, उसके पास कोई लॉजिक्स नहीं थे इसके। उसकी वजह ये है कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जिसमें 2-3 मोटे मोटे नाम ले लेते हैं। आज़ाद चाय वाला ने इसे स्टार्ट किया, डक्की भाई ने पिछले दिनों एक पॉडकास्ट में कह दिया कि पाकिस्तान में एजुकेशन एक बहुत बड़ा स्कैम है, और उसे बैक कर दिया अनस अली ने जो शॉपिफाई किंग है अपनी तरफ से एक। असल में एजुकेशन स्कैम नहीं है, आप एजुकेशन को जॉब के साथ जोड़ते हैं, ये माइंड सेट एक स्कैम है। एजुकेशन स्कैम कैसे हो सकता है? एजुकेशन का मकसद आपको कोई स्किल सेट देना नहीं होता, स्किल सेट आपको अपनी स्किल एक्वायर करनी है अलॉन्ग द वे। एक साइड पे आपकी एजुकेशन चल रही है, एक साइड पे आप एक स्किल को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हो। एजुकेशन इट्सेल्फ कोई स्कैम नहीं है। एजुकेशन का मकसद क्या है कि हमें एजुकेशन चाहिए क्यों? नौकरी के लिए, क्योंकि हमें बड़े भी ये बताते हैं कि इतना पढ़ लो और नौकरी लग जाएगी। नौकरी को एजुकेशन के साथ आप लोग यूँ लिंक नहीं कर सकते। एजुकेशन का मकसद है आपको एक अवेकनिंग देना, आपको कुछ जिंदगी के फंडामेंटल्स समझाना, और आपको आपके पोटेंशियल करियर्स के लिए आपके माइंडसेट को टेस्ट करना। एजुकेशन इज ऑल अबाउट टेस्टिंग योर माइंडसेट। एजुकेशन में आपको जो पढ़ाया जाता है वो बहाना है, वो एक आप समझें कि एक बाय प्रोडक्ट है ऑफ टेस्टिंग योर नॉलेज, नॉट टेस्टिंग योर नॉलेज, ऑफ टेस्टिंग योर पोटेंशियल इंटरेस्ट। मिसाल के तौर पे आपको फिजिक्स भी पढ़ाई जाती है, केमिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है, बायो भी पढ़ाई जाती है, कंप्यूटर साइंस भी पढ़ाई जाती है, उर्दू भी लिटरेचर भी पढ़ाया जाता है, इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ाया जाता है। ये सब क्यों पढ़ाते हैं आपको? आपको इन्होंने इन सब फील्ड्स के अंदर तो कोई एक्सपर्ट नहीं बनाना। ये सब पढ़ाने का मकसद ये है कि आपको हर चीज़ की एक बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दी जाए, एक हर चीज़ का बेसिक्स आपको समझा दिए जाए, ताकि उसके बाद जैसे ही आप यू फाइंड योर इंटरेस्ट इन समथिंग यू कैन परस्यू दैट एज योर करियर। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने हर बंदे को लगा दिया है सॉफ्टवेयर, नॉट सॉफ्टवेयर, आईटी से रिलेटेड डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर। और उस असल में असली स्कैम वो है, फैमिली व्लॉगिंग कर लो, शॉपिफाई कर लो, नॉट ई कॉमर्स, आप शॉपिफाई कर लो। इसके ऊपर एक मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, आप वो देख लें। आप
ड्रॉप शिपिंग कर लो, आप अमेजोन कर लो, ये सारे बबल्स हैं, आप ये सब कर लो तो आप बहुत बड़े बन जाओगे। एजुकेशन छोड़ो, असल में एजुकेशन इसलिए छोड़ो कि वो कहते हैं कि जो पैसे आपने एजुकेशन पे लगाए हैं, इंस्टीट्यूशंस को दिए हैं, वो पैसा आप हमें दें, हम आपको स्किल सिखाते हैं, और उसके बाद आपको काम मिले ना मिले वो बाद का फंडा है, हमारे उससे कोई ताल्लुक नहीं है। असल में गेम सारी ये है कि उन्होंने आपसे पैसे हथियाने हैं। वो कहते हैं कि ये पैसे, इसका हिसाब मैं आपको समझाता हूँ कैसे है। एक दुकान वाले के आप पास आप जाएं, आप कहें कि आपके हाथ में कोई, लेट्स सपोज आपने पीछे से कहीं से कोई मोबाइल खरीदा है, आप अगली दुकान वाले के पास जाएं कुछ और खरीदने, और वो आपके हाथ में मोबाइल देखकर बोले मोबाइल कहाँ से लिया आपने, आपको कि मैंने फलानी दुकान से लिया, कि कहो यार वो तो बड़ा फ्रॉडी है, मेरे पास ये देखो मोबाइल है ऐसे सस्ता है, ऐसा 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 है। तो ये इन्फ्लुएंसर्स की गेम भी यही है, इन्होंने आपको अपने कोर्सेज बेचने, और कोर्सेज बेचने के लिए ये लोग कहते हैं एजुकेशन तो गंदी चीज़ है, ये बुरी चीज़ है, आप हमारे पास आए हमसे कोर्स बाय करें। ऑल दो डक्की भाई को कोर्स नहीं सेल कर रहे, लेकिन डक्की भाई को जो स्टार्ट मिला वो 1 in 1 million होता है, वो एक एक्सेप्शनल केस है, आप उसे कह सकते हैं। हर बंदे को ये नहीं मिलता, हर बंदे का दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। इसलिए इस तरह से मैं खुद इस इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक है, और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर बंदे को इस चीज़ के पीछे लगा दूंगा। अब जब हर बंदे ये आप पैदा करेंगे, जिसका गोल ही होगा कि मुझे एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है और मैंने सिर्फ $1,000 कमाने हैं, कमाओ जरूर कमाओ, लेकिन फिर आप ये शिकायत करने का हक हम लोग खो देते हैं कि पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं हो रहे, ब्यूरोक्रेसी अच्छी नहीं आ रही, पुलिस वाले अच्छे नहीं है, हमारे मिनिस्टर्स अच्छे नहीं है, ऐसे अच्छा नहीं है। भाई यहाँ पर रोबोट्स चला के नहीं बिठाए जा सकते, जो आजकल की जो यूथ है इन्हीं लोगों में से आज से 20 साल 30 साल के बाद इन लोगों ने उठ के आना है। जब आप आज ही नहीं कह दो कि एजुकेशन नहीं करनी आपने, तो मुझे बताओ वो क्वालिफाइड लोग कहाँ से आएंगे? वो क्वालिफाइड लोग क्या आप मार्स से आएंगे, एलियंस आएंगे, रोबोट्स आएंगे, होगा क्या? तो ये तो कोई एक अच्छी अप्रोच नहीं है। सो लेट मी रिपीट, एजुकेशन इज नॉट स्कैम, बट कनेक्टिंग एजुकेशन विद जॉब एक्विजिशन, दिस माइंडसेट इज अ स्कैम, ये एक ऑफ कोर्स एक स्कैम माइंडसेट है। सो एजुकेशन का मकसद है आपको एक अवेकनिंग देना, आपको आपके दिमाग के ऊपर पड़े हुए पर्दों को उठा देना, और आपको नई डायमेंशंस के साथ इंट्रोड्यूस करवाना। एजुकेशन का सिर्फ ये मकसद है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, अब हम बात करते हैं हायर एजुकेशन की, इसके ऊपर आप डिबेट कर सकते हो कि आपने बैचलर्स कर लिया, 16 ईयर्स की एजुकेशन आपने कर ली, दिस इज अ मस्ट हैव। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी एक एग्जाम्पल देता हूं कि आपने आज फ्रीलांसिंग स्टार्ट की और 10 साल तक आप फ्रीलांस, आपने मैट्रिक किया और उसके बाद आपने आपने एक साथ का स्किल एक्वायर किया, और किसी वजह से आपने एजुकेशन छोड़ दी इन इन्फ्लुएंसर्स की बातों में आके, और 10 साल तक आप फ्रीलांसिंग करते हैं और किसी वजह से आपका फ्रीलांसिंग प्रोफाइल बैन हो गया, फाइवर के प्रोफाइल्स बैन हो जाते हैं, अपवर का प्रोफाइल आपका बंद हो गया, पाकिस्तानी गवर्नमेंट किसी वजह से कोई ऐसी पॉलिसी आती है कि आप पाकिस्तान में बैठ के काम नहीं कर सकते, कुछ इस कुछ कोई रिस्ट्रिक्शन इस तरह की आती है जो आज आप लोग नहीं देख पा रहे। मुझे बताओ कि आपको पाकिस्तान में रहते हुए कहीं पे जॉब के लिए जाना पड़ जाए, कोई ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटी आए जहां पर आपको यार ये अपॉर्चुनिटी मुझे अवेल करनी है, और उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा हो कि मिनिमम क्वालिफिकेशन इज 14 ईयर्स और 16 ईयर्स, आप क्या कर लेंगे? आपके हाथ पांव बन चुके हैं, 10, इट्स टू लेट, 10 साल 20 साल गुजर चुके हैं। सो एजुकेशन जहां आपको एक अवेकनिंग देती है, वहीं पर एजुकेशन ओपन्स डोर्स फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज। हाँ, एजुकेशन एक सूरत में बहुत ज्यादा फायदा नहीं देगी आपको, जब आप सिर्फ एजुकेशन के ऊपर फोकस करेंगे। सो एजुकेशन एंड स्किल गो हैंड टू हैंड। हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारे क्या पूरी दुनिया के इंस्टीट्यूशंस इस तरह डिजाइन नहीं किए गए कि वो आपको हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे किसी चीज की, और उसके ऊपर आपको स्किल सेट भी देंगे। स्किल सेट इज अ डिफरेंट थिंग, थ्योरी इज अ डिफरेंट थिंग। आपने स्किल सेट के लिए एक अलहदा स्कूल का इंतखाब करना है, बाय स्कूल आई मीन सम यूट्यूब ट्यूटोरियल, सम मेंटोर और एनीथिंग, नॉट फिजिकल स्कूल। आपने टेक्निकल स्किल्स के लिए एक अलग बंदे का इंतखाब करना है, यूट्यूब चैनल का इंतखाब करना है जहां से सीखना है, किसी वोकेशनल सेंटर का इंतखाब करना है, और आपने क्वालिफिकेशन के लिए एक एक रजिस्टर्ड स्कूल, यूनिवर्सिटी या कॉलेज का इंतखाब करना है।
अगर आप सिर्फ पढ़ते रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे और इस भी बात पर खुश होते रहेंगे कि मैंने 1100 में से 1050 नंबर ले लिए, 1000 नंबर ले लिए और स्किल सेट जीरो है, फिर तो फिर देन एजुकेशन इज अ स्कैम, इसमें कोई शक नहीं है। फिर एजुकेशन किसी काम की नहीं है। वो एजुकेशन आपके लिए इंटरव्यूज के दरवाजे तो खोल देगी पर इंटरव्यू पास नहीं करवाएगी, इंटरव्यू पास आपके टेक्निकल स्किल ही करवाएगी। सो ये दोनों हैंड टू हैंड जाते हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन जस्ट द स्किल्स और एंड ऑल्सो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन जस्ट एजुकेशन। नाउ द फाइनल थिंग कि अगर आपको चूज करना, लेट सपोज फॉर सम इन सम सर्कमस्टांसेस आपको एक चीज चूज करनी है, एजुकेशन और स्किल सेट, कि आपको या एक एजुकेशन सीखनी, एजुकेशन लेनी है, या आप एक एक स्किल सेट सीख सकते हो, तो इस सूरत में आपको क्या करना है, क्या चूज करना है? अगर डू एंड डाई की सिचुएशन आ जाए तो इस सूरत में यू विल चूज स्किल सेट, नॉट एजुकेशन। यहां पर मैं कहूंगा कि वो, क्योंकि एजुकेशन, एक एजुकेशन के बाद पैसा कमाना इज अ डिलेड प्रोसेस। एक जबकि टेक्निकल स्किल्स के अंदर आप फौरन से उस टेक्निकल स्किल को अप्लाई करके पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, बट यहां पर जो कॉन्ट्रडिक्शन आपको मेरे थॉट्स में नजर आएगी, अगर इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, कि प्रॉब्लम स्किल एक्वायर करने से नहीं है, प्रॉब्लम एजुकेशन से नहीं है, प्रॉब्लम है टू सेफ गार्ड योर सेल्फ इन द लॉन्गर रन। बस सिर्फ ये वजह है, एजुकेशन मेक्स यू फ्यूचर प्रूफ अगेंस्ट अनसीन सिचुएशंस। एजुकेशन का सिर्फ इतना सा मकसद है और आपको एक अवेकनिंग देना, आपको डिफरेंट डायमेंशन दिखाना। स्किल सेट, लेट्स रिफ्रेज दिस, एजुकेशन इज ब्रेन एंड स्किल सेट इज योर हैंड, योर हैंड्स। सो ब्रेन थिंक्स, एजुकेशन ट्रेन्स योर माइंड टू थिंक एंड हैंड्स कैरी आउट द ऑपरेशंस। इसकी एग्जाम्पल आर्मी में एक बड़ी अच्छी दी जाती है कि ऑफिसर्स, अक्सर लोग ये कहते हैं ना कि जी ऑफिसर्स की जरूरत ही क्यों आर्मी को, जब काम में सोल्जर्स ने और जेसीएस ने करना है। तो बड़े अच्छे तरीके से समझाया जाता है कि ऑफिसर्स आर ब्रेन ऑफ द आर्मी एंड जेसीओज एंड सोल्जर्स आर हैंड्स एंड लेग्स ऑफ द आर्मी, राइट? इसी तरह एजुकेशन इज ब्रेन ऑफ योर बॉडी एंड स्किल सेट इज योर हैंड्स एंड लेग्स आर योर स्किल सेट, राइट? सो एजुकेशन विल इनेबल यू टू थिंक डिफरेंटली, थिंक इन न्यू डायमेंशंस, और आपके हाथ और टांगे ये वो स्किल सेट हैं जो आपको उन थॉट्स को